नमस्कार, पिरामिड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। यह एक ऐसा मंच है जहां हम विभिन्न राज्यों की ध्यान से संबंधित सूचनाएं और समाचारों की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। आज हम जानेंगे ध्यान छत्तीसगढ़ के बारे में, जो PSSM के कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए पूर्ण रूप से कार्यरत है। अब हम वहीं के पिरामिड मास्टर से जानेंगे उनकी गतिविधियों के बारे में। यह एक बहुत अच्छा फॉर्च्यून था छत्तीसगढ़ का कि पत्नी जी का आगमन 22 साल पहले इस छत्तीसगढ़ की पावन धरती पर हुआ। उस समय जब पत्नी जी का आना हुआ था, तब यह अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश था और फिलहाल 2000 के बाद से यह छत्तीसगढ़ स्टेट है, जहाँ पे कि सतत साल में 2 से 3 बार पत्नी जी का आगमन होता है और हम लोग यहाँ पर उनकी सभाएं रखते हैं और नई नई जगह जाकर के एक्सप्लोर करते हैं, प्लस ग्रुप्स को लेकर के बैठते हैं जहाँ पे कि उनको हम साइंटिफिक तरीके से बताते हैं कि मेडिटेशन ध्यान करने से क्या फायदे हैं और क्यों करना चाहिए। इसमें काफ़ी टेस्टिमोनियल्स भी हम लोग पेश करते हैं जिसमें कि ये बताया जाता है उस व्यक्ति के द्वारा कि उसे क्या फायदा हुआ है, जिससे सामने वाला सुन करके काफी प्रभावित होता है। सन 2005 में रायपुर में हमने पहला पिरामिड बनवाया, जो कि कांगेर वैली अकेडमी का स्कूल में स्थित है, जहां पर के बच्चे लोगों को मेडिटेशन कंपलसरी है और यह पब्लिक के लिए भी ओपन है। यह 40x40 का ऊर्जा वन पिरामिड महावीर पिरामिड ध्यान केंद्र के नाम से जाना जाता है और इसका उद्घाटन पत्नी जी ने स्वयं किया था। उसके बाद से बहुत सारे पिरामिड रायपुर एवं छत्तीसगढ़ में आ चुके हैं। सन 2010 में हम लोगों ने पिरामिड स्पिरिचुअल साइंस एकेडमी स्थापित की, एस्टेब्लिश किया, जिसका की और किताबों के द्वारा मेडिटेशन क्यों करना, कैसे करना, यह प्रचार प्रसार करना। तो 6वीं से 12वीं तक स्कूल के लिए हम लोगों ने किताबें बनाई जिसमें कि पत्नी जी का मार्गदर्शन था और शिवराम अप्पा जी बेंगलोर से उसमें उन्होंने योगदान दिया। यह किताब 4 भाषाओं में बनाई गई। आज 200 से 250 स्कूलों में यह किताब जा रही है। इसके लिए एक ट्रेनिंग सेंटर है जो कि स्टाफ को ट्रेन करता है पढ़ाने के लिए। इन किताबों को स्कूल में ले जाने से फायदा यही है कि बच्चों को यह समझ आता है कि हमें क्यों करना है, जिससे बहुत सरलता होती है इस चीज को आगे बढ़ाने में। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर कॉलेज में भी चालू किया, कॉलेज के लिए भी किताब बनाई और वहाँ पर भी हम लोगों के टीचर्स मेडिटेशन ध्यान कैसे क्यों और वेरियस टॉपिक्स किताबों में पढ़कर उसे आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा यह बहुत जल्दी डिजिटल लिंक में भी आ जाएगा, जिससे कि सभी को सुविधा रहेगी पढ़ने और समझने के लिए, जिसका कि कार्य शीघ्र चालू होने वाला है। हम लोग यहाँ पे कोविड के पहले कैलाश ध्यान केंद्र में 2015 ऑनवर्ड्स ध्यान लगातार लोगों को करवा रहे हैं। हर शनिवार को मास्टर यहाँ पर आते हैं और एक ग्रुप मेडिटेशन यहाँ पे होता है। ऐसे कई हॉल हैं रायपुर में, कई जगह हैं जहाँ पे ग्रुप मेडिटेशन होता है। कोविड के दौरान यह ग्रुप मेडिटेशन इसलिए बंद है क्योंकि हम साथ में नहीं मिल सकते, पर ऑनलाइन जो हमारा यहाँ पे प्रयास रहा है वो काफी सराहनीय रहा है, सक्सेसफुल रहा है। कोविड के बाद भी हम ऑनलाइन क्लासेस चालू रखेंगे और ऑफलाइन भी चालू रहेगा, इसका प्रयास हम लोग करेंगे। प्लस जो सबसे अच्छी चीज होने जा रही है वो है PMC पिरामिड मेडिटेशन चैनल, जिसका कि रायपुर में आगमन हो चुका है और यहाँ से
रिकॉर्डिंग्स बन बन कर सैटेलाइट चैनल के लिए तैयार होते जा रही है और जा रही है। पीएमसी के माध्यम से हम घरों तक पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे और जो कि एक ध्येय है मेडिटेशन का, ध्यान का, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट का, कि यह मूवमेंट घर घर तक पहुंचे, इसके लिए पीएमसी बहुत सहायक रहेगा। टीम जोरबा की स्थापना 2012 में रायपुर में हुई थी और तब से लेकर अब तक टीम जोरबा पीएसएसएम का एक अभिन्न अंग रह चुका है। टीम जोरबा की संस्थापिका हैं कुलतुषी चक्रवर्ती, जो पिछले 10 सालों से ध्यान कर रही हैं, और मैं शीना पिछले 9 सालों से ध्यान से जुड़ी हुई हूँ। पीएसएसएम मूवमेंट ने छत्तीसगढ़ में ध्यान प्रचार का कार्य 1998 से 2000 के बीच शुरू किया। पत्री जी के सानिध्य में शैलेन जैन जी ने शुरू किया। टीम जोरबा ने पत्री सर के पद चिन्हों में चलकर ये प्रण लिया कि हर घर ध्यानी, हर घर में ध्यान, जन जन ध्यान और हर व्यक्ति को ध्यान के प्रति जागरूक करने का बीड़ा उठाया। टीम जोरबा ने अब तक लगभग 10 से ज्यादा ध्यान केंद्रों में और इन ध्यान केंद्रों में 1000 से अधिक लोगों को ध्यानी बनने में सहायता की है। ये ध्यानी अब अपने जीवन में आनंद ले रहे हैं, आनंद से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ध्यान प्रचार की इस प्रक्रिया के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के कई प्रमुख विद्यालय और विश्वविद्यालयों में टीम जोरबा ने जा जाकर ध्यान को प्रचलित करवाया। इनमें से कुछ प्रमुख विश्वविद्यालय है पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ के अधिक से अधिक विश्वविद्यालय जो हैं, कॉलेज और विश्वविद्यालय जो हैं, वो पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से प्रमाणित है। इसी तरीके से नर्सिंग स्कूल, कई कोचिंग इंस्टीट्यूट, कई अलग अलग विद्यालयों में जाकर विद्यार्थियों को, वहाँ के युवाओं को हमने जागरूक किया ध्यान के बारे में बताकर, उनको ये बताया कि ध्यान से उनके विद्यार्थी जीवन में किस तरीके के लाभ पहुंच सकते हैं, किस तरीके से वो लाभान्वित हो सकते हैं। 500 से अधिक ध्यान सत्र, आध्यात्मिक सत्र किए जा चुके हैं टीम जोरबा के माध्यम से, जिसमें कई राष्ट्रीय पिरामिड मास्टर एवं अंतर्राष्ट्रीय पिरामिड मास्टर्स जो हैं वो आ चुके हैं। कई सत्र लिए जा चुके हैं माताओं के लिए, पिताओं के लिए, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, कॉरपोरेट एम्प्लॉइज के लिए, बहुत सारे ऐसे अलग अलग सत्र लिए जा चुके हैं। इनमें से कुछ प्रमुख नाम मैं लेना चाहूंगी, जिसमें से सर्वप्रथम मैं नाम लेना चाहूंगी हमारे पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री श्री अजय चंद्राकर जी का। टीम जोरबा ने पिछले 10 साल में कुछ प्रमुख आध्यात्मिक कार्यक्रम करवाए हैं एवं भाग लिए हैं, जैसे कि जनवरी 2013 में एनसीएसएस का कार्यक्रम हुआ था, जिसमें टीम जोरबा ने भिलाई पिरामिड मास्टर्स एवं पीएसएसएम छत्तीसगढ़ के साथ मिलकर ये कार्यक्रम का आयोजन किया था। इसी तरीके से जुलाई 2014 में संगीत ध्यान यज्ञ का आयोजन करवाया था, जिसमें कई राष्ट्रीय पिरामिड मास्टर्स को बुलाया गया था और तकरीबन 200 से अधिक लोगों ने इस कार्यक्रम का आनंद लिया था। 2012 में टीम जोरबा के सेंटर का उद्घाटन करवाया था। कोविड-19 के काल में जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन की उद्घोषणा की, तब हमारे अनुभवी पिरामिड मास्टर्स ने बिना देरी करते हुए सोशल मीडिया के माध्यम से सबसे पहले ध्यान सत्र पूरे भारत में, ना ही पूरे भारत में बल्कि पूरे विश्व में, संपूर्ण विश्व में ध्यान सत्र शुरू किए और तब से लेकर अब तक 250 से अधिक ध्यान सत्र का आयोजन हो चुका है। 50 से ज्यादा आध्यात्मिक प्रवक्ता देश और विदेश से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनमें से ध्यान के लाभ, पिरामिड मास्टर्स के अनुभव, स्व अध्याय जिसमें कई प्रसिद्ध किताबों को लोगों तक पहुंचाया है, माताओं के लिए सत्र रखे गए, युवाओं के लिए सत्र रखे गए और इन सत्रों में
अलग अलग 18 सूत्रों में ध्यान के PSSM के जो अलग अलग 18 सूत्र हैं, उनको जोड़कर ध्यान के लाभ लोगों तक पहुंचाए हैं। कई नए लोग हमसे जुड़े, कई नए मास्टर सोशल मीडिया में जो हमारी दोस्त हुआ करते थे, वो भी हमसे ध्यान में जुड़कर ध्यान में आए, हमारे साथ ध्यान किया, इन ध्यान का लाभ उठाया और आज वो बड़े ही गर्व से अपने आप को पिरामिड मास्टर्स कहते हैं और उनकी कई कई अद्भुत अनुभव उन्होंने हमारे साथ शेयर किए हैं, हमारे साथ साझा किए हैं और हमने अपनी आँखों से साक्षी बनकर उनकी जिंदगी में कई बड़े बदलाव देखे हैं। आज हम छत्तीसगढ़ के राज्य के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं। जब नीता भोजवानी मैडम को पिरामिड सेवा दल का अध्यक्ष बनाया गया था 18 जून 2020 से उन्होंने अपना जूम सत्र भी शुरू किया। अभी तक विचार शक्ति, आत्मविज्ञान, विचारों के प्रति जागरूकता, पुष्टि, अनापान सती ध्यान, विचार का जागरण, भावना विमोचन, आंतरिक बाल चिकित्सा, बच्चों के लिए स्वास्थ्य और स्वास्थ्य से संबंधित विषय और विचार नियंत्रण जैसे विषयों को शामिल किया गया। छत्तीसगढ़ आंदोलन का मूल विचार है भगवान बुद्ध का अष्टांग मार्ग। आज उनके रायपुर में 4 केंद्र हैं। औसतन प्रतिदिन 80 से 100 लोग प्रत्येक केंद्र का हिस्सा हैं। जूम सत्रों के माध्यम से 450 से 500 लोग जुड़े हैं। अब तक 5 जूम सत्र पूरे हो चुके हैं, जिनमें 2 रात्रि के सत्र, 1 बच्चों का सत्र, 1 सुबह का सत्र शामिल। रात के सत्र का मुख्य उद्देश्य कामकाजी लोगों को शामिल करना है, जो केवल रात के समय ही अपना समय निकाल सकते हैं। वरिष्ठ पिरामिड मास्टर जैसे रामा राजू सर, रागिनी मैडम, प्रेमनाथ सर, बालकृष्ण सर, हितेश वशिष्ठ, जस्सी मैडम, शास्त्री सर, संगीता नेहरा मैडम, गिरिजा मैडम और पूर्णिमा मैडम और कई अन्य ने इन ऑनलाइन सत्रों के दौरान अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई। हमारे उच्च सम्मान ब्रह्मर्षि पत्री सर ने भी 2 बार केंद्रों का और इस क्षेत्र में की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए 2 से 3 दिनों तक वहां रहे, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः केंद्र में अधिक से अधिक लोग आए। वे सेठ कार्यशालाओं, सूक्ष्म चिकित्सा पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं। पत्री सर के मार्गदर्शन में नीता मैडम बिलासपुर, दुर्ग और कोरबा क्षेत्रों को कवर करने के लिए टीमें तैयार कर रही हैं। आज पूरा भारत और यहाँ तक कि भारत के बाहर के लोग भी इस आंदोलन से जुड़ गए हैं। ध्यान छत्तीसगढ़ की टीम मेंबर का इस राज्य से खास लगाव है, इसीलिए वह छत्तीसगढ़ के प्रत्येक व्यक्ति तक यह ध्यान पहुंचाना चाहते हैं और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए योजना और रणनीति तैयार करने में पूरी तरह से व्यस्त हैं। ध्यानियों द्वारा साझा किए गए अनुभव के अनुसार ध्यान के 5 दिन में ही पुराना अस्थमा ठीक हो गया, कई लोगों की डायबिटीज और हाई बीपी ठीक हो गई, कैंसर से पीड़ित और HIV से प्रभावित लोगों ने ऊर्जावान महसूस करने के बाद दवाइयां बंद कर दी। एक महिला को तो अपने दिव्यांग बच्चे का उनके जीवन में आने का कारण तथा जीवन का उद्देश्य ध्यान से सीखा। इस ग्रुप में ही भारत से ही नहीं बल्कि अन्य कई देशों से भी लोग जुड़े हैं। कई लोगों ने लॉकडाउन के कारण व्यवसाय में घाटे को ध्यान की सहायता से संभालना सीखा। ये थी PSSM से जुड़ी ध्यान छत्तीसगढ़ की मुख्य खबरें। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, जहां हम विस्तार से जानेंगे PSSM तथा ध्यान के प्रचार प्रसार में एक नए राज्य के योगदान के बारे में। तब तक देखते रहिए पिरामिड मेडिटेशन चैनल हिंदी, घर घर में सत्य का दर्शन। नमस्कार।